जानने जैसी, मानने जैसी और करने जैसी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली छोटी छोटी बातें, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली छोटी छोटी बातें। स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे पांच अनुचित और अयोग्य मान्यताओं की। उनका अध्ययन करेंगे और करेंगे उनका प्रमाणीकरण। आप मूल्यांकन भी करेंगे सहमति और असहमति का, और आप चाहें तो चर्चा के बाद अपनी सहमति और असहमति की तीव्रता बदल भी सकते हैं। इसके पहले हम 10 मान्यता की चर्चा कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं आज की पहली मान्यता। मान्यता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे बारे में क्या बोलते हैं, उसकी चिंता मुझे करनी चाहिए और मैं करता भी हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, उसकी चिंता मुझे करनी चाहिए और मैं करता भी हूं। आप सहमत हैं, असहमत हैं? कितनी उग्रता से सहमत हैं, कितनी उग्रता से असहमत हैं? रेटिंग कर लें। उग्र सहमति 4, सहमति 3, असहमति 2 और उग्र असहमति 1। ये रेटिंग स्केल हम पहले से फॉलो कर रहे हैं। लोग मेरे बारे में जो बोलते हैं और लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं, उसकी यदि मैं चिंता करूं तो ये चिंता मेरी मानसिक शत्रु होगी, मेरे साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए ये मान्यता बहुत खतरनाक है। पहली बात, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं वो मैं किस तरह से जान पाता हूं, और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये मैं कैसे जान पाता हूं? लोगों का बोलना पता लगेगा दूसरों के द्वारा, और लोगों का सोचना मुझे पता लगेगा मेरी सोच के द्वारा। अरे भाई, मैं भगवान नहीं हूं। लोगों के मन में क्या चल रहा है मुझे कैसे मालूम होगा? मैं आकलन करूंगा, मैं परसीव करूंगा। क्या गारंटी है कि मेरा आकलन सही है, मेरा परसेप्शन सही है और जो मैं सुन रहा हूं वो भी सही है? मैं एक सुविचार सुनाता हूं, जिस बात को आप बदल सकते हैं उसकी चिंता नहीं करें, उसको बदलने के लिए काम करें। और जिस बात को आप बदल नहीं सकते उसकी चिंता करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिस बात को आप बदल सकते हैं चिंता नहीं करें, बदलने के लिए काम करें। और जिस बात को आप बदल नहीं सकते उसकी चिंता करने से क्या लाभ, उसकी चिंता भी छोड़ें। निष्कर्ष क्या निकलता है? चिंता छोड़ें। जिस बात को बदल सकते हैं बदलें, जिस बात को नहीं बदल सकते चिंता नहीं करें। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक गीत मैंने आपको सुनाया था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। यदि आप ध्यान से गंभीरता से सोचेंगे तो ये महत्वपूर्ण गीत है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। मेरा मानना है कि इस मान्यता से आप जरूर अब असहमत हो जाएंगे और चिंता छोड़ेंगे दूसरों के बोलने की, दूसरों के सोचने की, काम करेंगे और प्रगति करेंगे। जो मुझे करना है मैं करता रहूंगा।
अब देखते हैं दूसरी मान्यता आज की। आज की दूसरी मान्यता है, यदि मेरे काम की कदर नहीं होती हो तो मुझे काम क्यों करना चाहिए। यदि मेरे काम की कदर नहीं हो तो काम करना निरर्थक है, अर्थहीन है। रिपीट करता हूं, यदि मेरे काम की कदर नहीं होती हो तो मुझे काम क्यों करना चाहिए। बिना कदर के काम करना निरर्थक है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप काम क्यों करते हैं? अपने लिए, दूसरों के लिए? ये जीवन मेरा जीवन है, आपका जीवन आपका जीवन है। मैं काम इसलिए करता हूं कि मुझे प्रगति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। दूसरे लोग मेरे काम का कदर करें यह जरूरी नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस संसार में सबसे मुश्किल चीज क्या है? दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाना। और दूसरी चीज, प्रशंसा की अपेक्षा, प्रशंसा की इच्छा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि प्रशंसा की इच्छा रखी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, कहीं ना कहीं आप दुखी होने वाले हैं, क्योंकि प्रशंसा करने वाले लोग, प्रशंसा की मानसिकता रखने वाले लोग दुनिया में बहुत कम हैं। और एक चीज, क्यों करेंगे वे आपकी प्रशंसा? वे अपने काम में व्यस्त हैं, उनको शायद फुर्सत नहीं है आपके काम को समझने की, आपके काम को रिकॉग्नाइज करने की, आपके काम की प्रशंसा करने की। और एक प्रश्न मैं पूछता हूं, आपने कितनी बार दूसरों के काम की प्रशंसा की है? यदि मुझे पूछना है तो इस प्रश्न को मैं इस तरह से पूछूंगा, आज आपने कितने लोगों की प्रशंसा की, कल आपने कितने लोगों की प्रशंसा की थी? यदि आप 20 लोगों से कल मिले तो 20 में से क्या आपने 2 लोगों की प्रशंसा की? क्या आपने 2 लोगों के अच्छे पॉइंट को नोटिस किया? यदि ये कैपेबिलिटी मेरे पास नहीं है तो मैं क्यों अपेक्षा रखूं कि दूसरे लोगों के पास ये कैपेबिलिटी होगी? सम्मान पाने की अपेक्षा रखने से अच्छा है मैं कहूं सम्मान मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, क्योंकि काम मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, प्रशंसा के लिए नहीं। प्रशंसा की अपेक्षा हमारे जीवन को जहरीला बना सकती है, जीवन में जहर घोल सकती है। इस अपेक्षा को जितना जल्दी आप छोड़ दें उतना अच्छा, उतनी जल्दी जीवन खुशियों से भरेगा। अपना सम्मान अपने करें, अपने काम की कदर अपने करें, अपने को प्यार करें, दूसरों से प्यार की अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि ये मानसिक अपेक्षा है, मानसिक भूख भी हो सकती है। इस विषय की चर्चा हम अगले कुछ भागों में बहुत विस्तार से करेंगे। मेरे विचार से आप भी इस मान्यता से अब असहमति दिखाएंगे, असहमत होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की तीसरी मान्यता। आज की तीसरी मान्यता है, मेरे नजदीकी और मेरे लिए महत्वपूर्ण लोगों के बारे में खराब भावनाओं को मैं मेरे मन में ही दबा देता हूं, उनको बोलता नहीं, उनको कभी भी एक्सप्रेस करता नहीं। रिपीट करूं, मेरे मन में मेरे नजदीकी और मेरे लिए महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जो भी खराब भावनाएं हैं उनको मैं कभी बोलता नहीं, अपने मन में ही दबा देता हूं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्यों दबा देते हैं उनके बारे में अपनी भावनाओं को, क्यों नहीं बोलते? डर है, बोलूंगा तो संबंध बिगड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी बात, यदि आप नहीं बोलेंगे तो उनका विकास अटकेगा,
उनका व्यवहार वही होगा, उनमें सुधार नहीं आएगा। क्या आपके नजदीकी लोगों में बदलाव सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप नहीं सोचते कि जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण है वे यदि गलत करें तो उनको बताना आपका काम है? आपका काम क्यों? आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, पर्सनालिटी के चार भाग। मुझे पता है, आपको पता है। मुझे पता है, आपको पता नहीं है। मुझे पता नहीं है, आपको पता है। मुझे पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके नजदीकी लोगों की आपने आलोचना करनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के उन भागों को बताना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए जो शायद उनको नहीं मालूम है, अच्छी बात होगी यदि आप करेंगे। संबंध थोड़ी देर के लिए शायद बिगड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपने सही तरीका बोलने का इस्तेमाल किया, सही तरीके से बोला, अच्छी तरह से बोला, अपना कंसर्न, अपनी चिंता अच्छी तरह से जताई, तो संबंध बिगड़ेंगे नहीं, संबंध मजबूत होंगे। यदि आप अपने नजदीकी लोगों के और आपके लिए महत्वपूर्ण लोगों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, तो आपने पीछे क्यों हटना? शायद आपके लिए नई दिशा है, शायद आपको आलोचना करनी नहीं आती, शायद आपको फीडबैक देनी नहीं आती। सीखिए, सीखना जरूरी है। अब देखते हैं आज की चौथी मान्यता। आज की चौथी मान्यता बहुत सामान्य है। मान्यता है, मैं बहुमत के साथ जाता हूं, आई गो विद द मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि यदि मैं बहुमत का विरोध करूं, बहुमत के साथ नहीं जाऊं, तो मुझे लोग ग्रुप से अलग कर देंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मैं बहुमत के साथ जाता हूं क्योंकि यदि मैं बहुमत का विरोध करूं तो मैं ग्रुप से अलग कर दिया जाऊंगा, अकेला पड़ जाऊंगा। मैं प्रश्न पूछता हूं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने को छोड़ दें, जीवन में खुश होने के लिए जरूरी क्या है? लोग या विषय? सही लोग, सही विषय, बड़ी अच्छी बात है। गलत लोग, गलत विषय, गलत बात होगी। यदि मेजॉरिटी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो मैं क्यों मेजॉरिटी के साथ जाऊं? मैं मेरे लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा। यदि मेरे लक्ष्य में और मेजॉरिटी के लक्ष्य में तालमेल नहीं है तो मैं अकेला चलना पसंद करूंगा। यदि मेजॉरिटी मुझे गलत काम में ले जाती है, गलत दिशा में ले जाती है, तो मैं गलत दिशा में नहीं जाऊंगा, उससे अच्छा है मैं सही दिशा में अकेला चलूं। ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी मेजॉरिटी के साथ रहने के लिए हम गलत बातों का साथ देते हैं, गलत काम का साथ देते हैं, देना नहीं चाहते हैं? मैं आपको दिल से पूछूं और मैं कहूं कि दिल से जवाब दीजिए, तो आप बात कहेंगे मेजॉरिटी गलत डायरेक्शन में जा रही है। फिर आप कहेंगे क्या करूं, जाना पड़ता है। ये जाना पड़ता है मेजॉरिटी के साथ, इस वाक्य को अपने जीवन से अलग करें। यदि आप सही काम कर रहे हैं तो याद रखें, मेजॉरिटी आपका साथ नहीं भी दे सकती है। बहुमत के साथ रहना और गलत दिशा में जाना लंबे समय में हमें तकलीफ देगा। आप अपनी सहमति बदल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अकेले चलने की तैयारी दिखा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। यदि कोई मेरा साथ नहीं दे तो सही रास्ते पर मैं अकेला चलूंगा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की आखिरी पांचवी मान्यता। आज की पांचवी मान्यता है स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट एक असंभव विचार, असंभव मान्यता और असंभव सिद्धांत है। सेल्फ डेवलपमेंट इज एन इम्पॉसिबल थिंकिंग, इम्पॉसिबल बिलीफ एंड इम्पॉसिबल प्रिंसिपल। मुझे दूसरों के मार्गदर्शन की जरूरत है। स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट एक असंभव विचार, मान्यता और सिद्धांत है। मुझे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, स्व विकास के लिए दूसरों के मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं आपको एक पौराणिक चरित्र की याद दिलाता हूं आज। एकलव्य गुरु के पास गए, गुरु ने सिखाने से इनकार किया, गुरु ने मार्गदर्शन देने से इनकार किया। क्या किया एकलव्य ने? गुरु की मूर्ति बनाई और सीखना शुरू किया श्रद्धा के साथ, और सीखे और अर्जुन से अच्छे, अर्जुन से निपुण तीरंदाज बने। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सिखाया, एकलव्य सीखे द्रोणाचार्य की मूर्ति से। आज लोग कहते हैं सीखने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मैं कहता हूं सीखने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए जरूरत है कमिटमेंट की, मेहनत की, पसीने बहाने की। यदि मैं पसीना बहाने के लिए तैयार हूं, यदि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो मैं सीखूंगा। और मेरा मानना है कि यदि सीखने की आपकी इच्छा बहुत तीव्र होगी, आपके जीवन में सीखना इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा किसी विषय का कि आप दूसरी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, तो मदद आपको अवश्य मिलेगी, मार्गदर्शन आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन मैं अटक क्यों जाता हूं? पहला कदम बढ़ाने के पहले, फर्स्ट स्टेप लेने के पहले मैं सोचता हूं मार्गदर्शन मिले तो अच्छा है। मैं चला ही नहीं, मैंने यात्रा शुरू नहीं की, मेरी उंगली पकड़ने के लिए किसी हाथ को ढूंढना शुरू किया। याद रखिए, यदि मैं यात्रा शुरू करूंगा तो मेरी उंगली पकड़ने वाले बहुत सारे हाथ मुझे मिलेंगे। मैं मानता हूं, मेरा स्ट्रांग विश्वास है, आई हैव वेरी स्ट्रांग बिलीफ दैट सीखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, सीखने के लिए पसीने बहाने की जरूरत है। मेरे विचार से आप भी इस मान्यता को बदलेंगे और आप असहमत होंगे। आपकी मान्यता होनी चाहिए, यदि मैं सीखना चाहूं तो सिर्फ मेरी इच्छा शक्ति की, मेरे कमिटमेंट की, मेरे परसिवरेंस की जरूरत है, बाहरी सपोर्ट की नहीं। बाहरी सपोर्ट मिल जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। आज की पांचों मान्यताएं समाप्त हुई। हमने अभी तक 15 मान्यताएं डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्या? 15 अनुचित और अयोग्य मान्यता के साथ साथ उसके जस्ट विपरीत योग्य मान्यताएं लिखेंगे, योग्य बिलीफ्स लिखेंगे। अनुचित मान्यता, उसके नीचे उचित मान्यता, अयोग्य मान्यता और उसके नीचे योग्य मान्यता, इरेशनल बिलीफ उसके नीचे रैशनल बिलीफ। क्यों करेंगे हम ऐसा? ताकि हम उचित और अनुचित, योग्य और अयोग्य, अप्रभावकारी प्रभावकारी, इरेशनल रैशनल मान्यताओं को एक साथ देख सकें, उनकी तुलना कर सकें, उनको कंपेयर कर सकें। 15 मान्यताओं की तुलना करने के पहले मैं छोटा सा डिस्कशन आपके साथ करूंगा और वह डिस्कशन होगा इफेक्ट ऑफ ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग।
दोषारोपण और फरियाद करने से हमारे जीवन में क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम अगले भाग में कर लेते हैं। और उसके बाद वाले भाग में हम करेंगे 15 मान्यताओं की तुलना। विदा लेते हैं, अगले भाग में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।